की कहानी जो भगवान की बहुत भक्ति करता था लेकिन उसके जीवन में समस्याएं थी। एक दिन सपने में भगवान ने दर्शन दिए तो भक्त ने भगवान को बहुत सुनाई, कहने लगा आपने मेरे जीवन को परेशान कर दिया है, बहुत परेशानियां हैं, आप इन समस्याओं को गायब क्यों नहीं करते। भगवान ने कहा नहीं कर सकता, प्रकृति का नियम है, हानि लाभ तो चलता रहता है। तो भक्त ने कहा भगवान कोई तो इलाज बताओ, मुझे सोल्यूशन चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है तुम्हें एक्सचेंज ऑफर देता हूँ। एक्सचेंज ऑफर में सुनो, बात यह कि सामने एक पेड़ दिख रहा है, उसने कहा दिख रहा है, बोले इस बरगद के पेड़ के नीचे जाकर के एक पोटली बांध के आओ, सारी समस्याओं को चिट्ठी में लिखो और लिख करके पोटली बना करके बांध आओ, सारी गायब हो जाएंगी। लेकिन एक्सचेंज ऑफर है, याद रखना वापस आओगे तो कोई सी भी दूसरी पोटली उठा के ले आना, उसमें जो समस्या लिखी होगी वो तुम्हारी हो जाएगी। भक्त के जीवन में बहुत समस्या थी, उसने कहा ठीक है मैं जाता हूँ। सबकी अलग अलग चिट्ठियां बनाई, पोटली बनाई, लेकर के गया, बांध दी अपनी पोटली। जब वापस आने लगा तो याद आया एक्सचेंज ऑफर है, कोई तो लेके जानी पड़ेगी। सबसे छोटी वाली ढूंढी तो घबरा गया, डर गया कि कहीं इसमें यह तो नहीं लिखा कि मेरे किसी फैमिली वाले की जान चली जाएगी। दूसरी उठाने लगा तो उसे डर लगा कहीं ऐसा तो नहीं लिखा कि बीमारी हो जाएगी। उसने भगवान को हाथ जोड़ के कहा माफ करो, मैं जिन समस्याओं से जूझ रहा हूं जूझ लूंगा, आप बस लड़ने की ताकत दे दो। भगवान ने कहा यही तो शुरुआत में कह रहा था, जीवन में लड़ना आपको होगा, समस्याएं तो आती जाती रहेंगी, जीवन में घबराइए मत, योद्धा बनिए।